फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये सीजन का नया ओलिव, जो कि हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे जलपाई बोला जाता है। तो इसकी अचार बनाने की विधि, तो चलिए हम बनाते हैं। और इसके लिए जो सामग्री चाहिए होगा हमें, तो इसे मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ले लिया मैंने लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें 5 टेबलस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। 4 टीस्पून के करीब ये अजवाइन है, ये सौंफ दाना है जो ये भी 4 टेबलस्पून लिया है, ये मेथी दाना है इसे भी मैंने 4 टेबलस्पून लिया है, ये काला नमक है ये मैंने 1 कप लिया है, ये सफ़ेद वाला नमक है जो कि वो 3 भाग लिया है 1 कप का, और ये हल्दी है, और 1 लीटर सरसों का तेल प्योर जो है, और ये विनेगर सिरका। तो चलिए हम बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैं सारे इसे जलपाई को कद्दूकस, मैंने इसे सारे कद्दूकस कर लिया है। करने के बाद इसे अब हम एक मिक्सिंग बॉल में इसको मिक्स करेंगे सारे मसाले के साथ। इसे मिक्स करेंगे, ये मिर्च, अजवाइन, सौंफ, ये मेथी दाना, ये हल्दी, ये सफ़ेद वाली नमक, ये काला नमक, सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर, और इसमें हम विनेगर डालने वाले हैं करीब 1 कप के करीब। मैंने ये देखिए विनेगर ले लिया है, देखिए 1 कप विनेगर इसमें हम ऐड करेंगे। करने के बाद इसे अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाते हैं अचार, तो आप मेरा बनाने का तरीका भी एक बार देख लीजिए, शायद आप सभी को अच्छा लगे। इसे बहुत दिनों तक स्टोर किया जा सकता है, 2-3-4 साल तक आप रख के खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया है। सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। करने के बाद इस तरीके से एक कंटेनर में सभी को इसे भर लूँगी। जब तक मैं इसे भरूँगी, इसे गैस को ऑन करके इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। पानी को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। पानी जैसे ही गर्म होता है, हम इसमें इसको स्टीम करने के लिए चढ़ा देंगे। देखिए पानी हमारा गर्म हो रहा है, तो अब हम इसमें एक स्टैंड बिठा देंगे। बिठाने के बाद इसमें जो मैंने जो जलपाई को कद्दूकस करके मसाला ऐड करके रखा था, इसमें इसे रख देंगे। रखने के बाद अब हमने चला दिया है, ये देखिए पूरा गर्म हो रहा है। और कुकर का मैंने ये देखिए यहाँ का गैसकेट भी खोल दिया है, और ये व्हिसल भी खोल दिया है। तो इसे अब हम बंद करके 20 मिनट तक इसे धीमी आंच में भाप से पकने देंगे। तो इसमें होगा क्या, भाप से सारा मसाला हमारा पक जाएगा,
और जलपाई भी अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। तो इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट हो चुका है, अब देखते हैं कैसा है हमारा जलपाई का दाल। ये देखिए बहुत नरम हो चुका है। तो इसे अब हम उतार के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। करीब 2 से 3 घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। ये जलपाई हमारा काफ़ी ठंडा होके सेट हो चुका है, एकदम नरम भी है। तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं, ये चावल साफ करने वाला जो एक ये हम लोग का यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे डाला बोलते हैं, तो इसमें एक पेपर इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद इसे थोड़ी थोड़ी करके लेने के बाद इसे इस तरीके से हल्के ऐसे चपटा चपटा बना के इस तरीके से हम, ताकि ये सूखने में आसानी हो इसकी और जल्दी सूख भी जाए, तो इस तरीके से हम बना के ये नरम हो चुका है। उबालने के बाद ये देखिए स्टीम से पक चुका है, सारे मसाले भी इसमें नरम हो चुका है। तो इस तरीके से हम सारे जलपाई को इस तरीके से चपटे करके इसे फैला देंगे फिर सूखने। ये मैंने इसे इस तरीके से चपटे चपटे साइज में बना के इसे देखिए सूखने दिया है। करीब आधा सूख चुका है, मैं इसे पलट रही हूँ आप, तो पलट के इसे दोबारा सुखाएंगे। ये 2 दिन में आपको अच्छी तरह से, अभी ठंडी का मौसम है और धूप काफ़ी अच्छा आता है, तो इसके लिए ये आराम से सूख जाएगा 2 दिन में। जैसे ही सूखता है फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल में। ये हमारा ये जलपाई का अचार जो है, ये देखिए सूखने के बाद इस तरीके से ये देखिए इतना सूखा है। ये देखिए ये जो नमक है ये सूखने के बाद इस तरीके से सफ़ेद कलर का हो चुका है, मतलब काफ़ी सूख चुका है। तो अब हम इसे अचार डालने के लिए हमारा ये तैयार है। तो मैंने जब ये डाला था तो देखिए कितना सारा था, जो सूखने के बाद सिकुड़ के अब थोड़ा हो चुका है। तो इसके लिए अब हमने तेल को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो रहा है। जैसे ही तेल ठंडा हो जाएगा गर्म होने के बाद, तो इसमें हम अचार डालेंगे। देखिए तेल को हमें इतना गर्म करना है कि इसमें से धुआं आने लगे और ये बबल्स जो है ये आना बंद हो जाए। तो ये देखिए गर्म हो रहा है। इसे अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद जैसे ही ये इसमें धुआं आने लगेगा तो हम गैस को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही हम इसे इसमें अचार डालेंगे। ये तेल हमारा गर्म होकर ठंडा हो चुका है, तो अब हम इस तरीके से बोतल में तेल को डालेंगे। इसमें अभी हमें कोई मतलब विनीगर हो या कोई मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे मसाले और विनीगर जो है हमने पहले ही डाल चुका था। तो अब सिर्फ इसे तेल गर्म होने के बाद इसे इस तरीके से ठंडा करके आप इसे इस तरीके से डीप करते जाइए। ये देखिए इस तरीके से सारे जलपाई के अचार को इसे आप कई महीनों तक या ऐसे ड्राई करने के बाद आप इसे साल भर भी रख सकते हैं बोतल में डाल के। जब जब आपको ज़रूरत होगी ऐसे बीच बीच में एक बोतल अगर ख़त्म हो चुका है फिर आप थोड़ा सा निकाल के तेल गर्म करके इस तरीके से फिर से बना के रखिए, नहीं तो ये ऐसे भी बहुत दिन रहता है। जो नमक जो है ये देखिए सूख के सफ़ेद हो गया है और इसमें विनीगर होने की वजह से ये ख़राब भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया है। अब इसमें बस ऐसे ही डाल के आप दो दिन तक आप ऐसे ही थोड़ा सा धूप लगा के रख दीजिए, बस हो जाएगा खाने के लिए। ये खुद ब खुद तैयार है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बहुत सारे जलपाई लाया हुआ था घर में, तो उसे अगर मैं इसी तरीके से रखती हूँ तो वो बहुत जल्दी सड़ने लग जाता है, ख़राब भी हो जाता है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए सारे बड़े बड़े जलपाई
ये दो कंटेनर में रखा हुआ है। कुछ तो मैंने इस तरीके से आपको दिखा दिया, अचार बना के रखी हूँ, और कुछ हरी मिर्च इस तरीके से बना के रखा हुआ है। ये है अदरक, तो ये है सीजन का जो अचार बनाने की जो सामग्री होती है उसे मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ। इसकी विधि आपको दे दिया जाएगा, आपको ब्लॉग में मिल जाएगा। ये जो है हरी मिर्च जो अभी ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा आती है, तो मैंने क्या किया है, एक बड़े से बर्तन में करीब 3 से 4 लीटर पानी को खूब अच्छी तरीके से उबाल लिया है। उबालने के बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद इसमें 3 कप मैंने उसमें विनीगर ऐड कर दिया है और नमक करीब 1/2 किलो डाल दिया है। उसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ऐसे बोतल में देखिए ये डाल दिया है। इसमें अब मिर्च भी बहुत दिनों तक रख सकते हैं, और जब भी आपको खाने को मन करेगा तो थोड़ा खटा खटा लगेगा, रस में लगेगा विनीगर की वजह से, और मिर्च भी ताज़ी रहेगी। और ये अदरक को मैंने अच्छी तरीके से धो के छील लिया है। छीलने के बाद थोड़ी सी हवा में सुखाने के बाद इसे भी लाल मिर्च के 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के साथ इसमें डाल दिया है, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा रेडिश हो गया है। और बाकी जो आपने जलपाई देखा है उसमें भी सेम इसी तरीके से मैंने पानी में मिला के रखा है। जैसे ही आपका जलपाई ख़त्म हो जाता है फिर आंवले का मौसम आ जाएगा, आंवला भी आप धो के इसी तरीके से सुखाने के बाद, एक बार धोने के बाद अच्छे से आंवले को थोड़ा सा सुखाने के बाद फिर उसी पानी में आप डाल के रख दीजिए, बहुत दिनों तक रहेगा। रोज एक खाइए, स्वस्थ रहेंगे। तो कैसी रही हमारी ट्रिक और हमारा ये जलपाई की अचार बनाने की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ रख दिया है, इसे मैं एक कंटेनर में रख दूँगी, जैसे ही धीरे धीरे ख़त्म होगा फिर मैं बनाते रहूँगी। तो आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइए कैसी लगी हमारी ये अचार बनाने की रेसिपी।